मातृभूमि की जय, जय हिंद। दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे कि आज थोड़ा सा गेटअप मेरा कुछ चेंज किया है मैंने। आज कारण यह है कि आज जो विषय पे बात करने वाला हूं वो कहीं हमारी देशभक्ति को लेकर के है, वीर सैनिकों को लेकर के है। इसलिए इस वीडियो में पूरे बने रहें और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज का विषय है हमारा, एक तरफ हम बात करेंगे फिल्मी अदाकारों की और एक तरफ बात करेंगे हम हमारे देश के वीर जवानों की। दोस्तों हमारे ध्यान में प्रश्न उठता है, उठना भी चाहिए कि देश के वास्तविक, हमारे वास्तविक हीरो कौन है? वो लोग जो कि पैसे लेकर के, शोहरत के लिए, नाम के लिए हमारा मनोरंजन करते हैं, या वो जो कि सिर्फ हमारी रक्षा के लिए, देश की भक्ति के लिए और राष्ट्र के बलिदान के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं? लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है जो लोग संस्कृति को भुला करके, देश प्रेम को भुला करके सिर्फ और सिर्फ अपनी शोहरत में, अपने नाम के लिए, दौलत के लिए जो मनोरंजन कर रहे हैं, संस्कृति का खिलवाड़ उड़ा रहे हैं, देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें तो हम सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, लेकिन जो सैनिक, जो नौजवान, जो परिवार इस राष्ट्र के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे सुकून के लिए, हमारे चैन के लिए, हमारे भविष्य के लिए अपने जीवन का न्योछावर कर रहे हैं, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रहे हैं, उन्हें हम भुलाए जा रहे हैं। हमारी खुशियों में शिरकत वो लोग करते हैं, हमारे घरों के उद्घाटनों में, शादियों में, पार्टियों में वो शिरकत करते हैं जिन्होंने वादों से वादा खिलाफत करी है, यानी कि नेता, वो जिन्होंने पैसों की खातिर संस्कृति को बेच दिया, मजहब को बेच दिया, धर्म को साइड में रख दिया, देवताओं का अपमान बना दिया। लेकिन एक तरफ जिन लोगों ने इन सबको बचाने में अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उन्हें हम नहीं बुलाते। ये कैसा इस देश की मानसिकता है, हम लोगों की मानसिकता है, जो हमारी धरोहर को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारी दिवाली के लिए, हमारी होली के लिए जो खून की होली खेलते हैं, बंदूकों से निकली नुकलियों गोलियां खेल गोलियां अपने सिरों पर झेलते हैं, अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, उन्हें तो हम याद करते नहीं हैं, उनके परिवारों को ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे माहौल में हम बुलाते नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो सिर्फ अपनी दोहर का मजाक उड़ा रहे हैं, मनोरंजन के लिए अपना सिर्फ पैसा लेकर के हम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, जो वादा खिलाफी करके नेता बन करके नोटों के लिए, वोटों के लिए हमारा दोहन कर रहे हैं, उन्हें तो हम आमंत्रित करते हैं, सलाम करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन वहीं एक तो वो सैनिक परिवार जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना परिवार, अपनी खुशियां, सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन्हें हम याद तक नहीं करते। जब किसी हीरो का, टीवी कलाकार का, अदाकार का, किसी नेता का, किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी एयरपोर्ट पर, किसी गली में, किसी मोहल्ले में आगमन होता है या नजर आ जाता है, एक जन से लाभ उनके स्वागत के लिए दोनों हाथ एक खोल करके अपनी आंखें पसार पसार देता है, घंटों का इंतजार करता है एक ऑटोग्राफ के लिए। लेकिन वहीं जिस सैनिक ने, जिस सैनिक परिवार ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया हमारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्रगान के लिए, हमारे ध्वज के लिए, वो प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, गली से गुजर जाता है, एयरपोर्ट पर मिल जाता है, न हमारा हाथ उठता है और न ही नमन के लिए हमारा सर झुकता है। कौन असली हकदार है, क्या ये सोचने का विषय नहीं? असली हकदार यही हमारे नौजवान हैं, देश के वीर सैनिक हैं, उनके परिवार हैं। साहब ऐसे शहीद हमारे शहर में मौजूद हैं, जाकर देखिए तो सही, तलाश तो कीजिए, उन्हें आप बुलाइए, उन्हें आमंत्रित कीजिए, उनके साथ शिरकत कीजिए। ये खुशियां उनकी हैं जो आज हम मना रहे हैं, ये दिवालियां उनकी हमें दी हुई हैं, जो मनाना उनके परिवार को चाहिए थी, मना हम रहे हैं।
हमारी खुशी खातिर उनकी दिवालियों में दिए बुझ गए और हम रोशन हो गए, लेकिन हमने हमारे दिलों में उन्हें जगह ना दी और वो फिल्म अदाकार, फिल्म कलाकार, वो नेता हमारे हीरो हो गए। मेरा सब भारतवासियों से निवेदन है कि एक बार इस बात पर गौर कीजिए कि वास्तविकता में हमारे देश के हीरो, हमारे अतिथि और सत्कार के योग्य कौन लोग हैं, और यह फैसला आपको हमको करना है। वो खुशियां जो उन्होंने हमें देने का प्रयास किया है, अपना जीवन बलिदान किया है, हम ज्यादा कुछ नहीं, हमारे कार्यक्रमों में उनकी शिरकत से उनका मनोबल न सही, हम का सम्मान तो उन्हें दे सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।